गौरव भाटी, आप जानते हैं मेरे तीन और मेहमान है ना, मैं फेस ऑफ थोड़ी कर रही हूँ। जो हमारा आधिकारिक स्टेटमेंट है ठीक है, अरे आपके आधिकारिक स्टेटमेंट में और आपके बाकी तमाम बड़े लीडर्स में, उनके स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है, वरना तो डिबेट ही नहीं होती, बात ही खत्म हो जाती। दिलीप चेरिन जी बिल्कुल नहीं, एक रिमार्क आपकी तरफ से भी चाहिए और इसलिए चाहिए। रोहन जी रुक जाइए ना, रोहन जी रुकिए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी ना, रुक जाइए अभी। दिलीप साहब, इट्स ऑल अबाउट इमेज, आप तो ब्रांड इमेज को बहुत अच्छे से जानते हैं, परखते हैं। एक वो वैक्सीन जिसे लेकर हमें थोड़ा और ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए था, उसकी जगह आप यहाँ पर वो स्वर सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अरे पानी जैसी है, अरे देखो इसमें तो आपने इनके साथ थोड़ी पार्शियलिटी कर दी, और पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है कि वाह हिंदुस्तान ने बड़ा गजब काम कर दिया। ये तो ये इमेज का भी तो सवाल है ना सर, कई चीजों पर चुप हो जाना चाहिए। बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमें जो टाइम पे और जो प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्शन किया गया है, वो मेरे ख्याल में कोई और देश की प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से तुलना नहीं हो सकता है। तो इस अगर एस्पेक्ट से देखें तो हमारा इमेज, साइंटिफिक इमेज जो है वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया है। WHO का एंडोर्समेंट मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ, जितना मैं मानता हूँ कि हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो लोकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ न कुछ डेटा देखकर ही ये अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल को उन्होंने इसी के आधार पे ये दिया है। सेकंड, मेरे ख्याल में ये जो एक कंपनी दूसरे कंपनी की तारीफ ना करने का जो हैबिट है, वो एक कॉर्पोरेट हैबिट है, उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पूना वाला ने कहा कि ये पानी जैसा है और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन का टेस्टिंग जो है ग्लोबल टेस्टिंग हुआ है, इंडियन टेस्टिंग नहीं हुआ है, वो सब मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, हम PR में ये करते हैं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को किस तरह से अटैक कर सकते हैं। पर इंडिया पे जो इस वक्त अटैक हो रहा है वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इस वक्त हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे पास